दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का मिलन व सम्मान समारोह का आयोजन समीपस्थ ग्राम नकपुरा में क्षेत्रीय विधायक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका उपस्थित रही। उल्लेखनीय है कि एकत्रित बाल विकास परियोजना दुर्ग ग्रामीण के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं, जिन्होंने पारिवारिक व सामाजिक आयोगों में उल्लेखनीय व सराहनीय योगदान दिया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका दोनों ही विभाग की रीढ़ है। इनके प्रयास से ही महिलाओं और कुपोषित बच्चों में तेजी से विकास हो रहा है। सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए है। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग की लगभग 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सम्मानित किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत के साथ हुआ। यहां स्थानीय बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की ओर अपनी मांगों को लेकर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें गृह मंत्री ने कहा है कि वे उनकी मांगों को पूरा समर्थन देते हैं और सभी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे और पूरा करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम को दुर्ग जिला पंचायत अध्यक्ष शालिनी यादव ने संबोधित किया। इस आयोजन में विशेष अतिथि के शिल्पा बोर्ड के नवयुक्त अध्यक्ष नंद कुमार सेन, कृषि मंडी बोर्ड सदस्य तारकेश्वर चंद्राकर, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री जितेंद्र साहू, सरपंच संघ मुकुद पारकर, सरपंच ग्राम पंचायत नकपुरा सहित महिला बाल विकास के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहने हैं, उन सब का सम्मेलन और सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहने हमारे सरकार की सबसे जरूरी, सबसे छोटी, सबसे नीचे की योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं। गांव में रहती हैं, छोटे छोटे बच्चों का देखभाल करती हैं, उनका पालन पोषण कैसे हो उसकी जानकारी देती हैं, उनका बीच बीच में जांच जो करने का स्कीम आता है उसको देती हैं, वोट भराई से लेके बहुत सारा स्कीम सरकार का रहता है उसको क्रियान्वित करती है। उस मैंने सोचा हमारे अपने पदाधिकारियों से चर्चा करके कि इतना जो छोटा लगता है नीचे वो सबसे बड़ा काम होता है। वो बहनें दिन रात मेहनत करती हैं, काम करती हैं, तो उनका सम्मेलन भी आयोजित हो, एक पारिवारिक वातावरण में सबसे मिलना जुलना भी हो, बातचीत भी हो, चर्चाएं भी हो, उनकी भावनाएं क्या रहती हैं सरकार के प्रति वो जानने का अवसर भी होता है और सम्मान भी उन लोगों का हम लोगों ने आज किया। आज हमारे दुर्ग ग्रामीण के पूरे विधानसभा से हमारे जो गृह मंत्री जी हैं ताम्रध्वज साहू जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारे समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का सम्मान किया गया है। क्योंकि हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं हैं वो पूरे गांव की जिम्मेदारी निभाते हैं, चाहे गर्भवती माता को हो, चाहे बच्चों को हो, उनका कौन सा टीका लगना है, क्या खाना है, ये पूरी जिम्मेदारी उनकी रहती है। और हमारे मंत्री जी हमेशा चाहते हैं कि जो हमारे नीचे काम करते हैं उनका सम्मान होना चाहिए। क्योंकि मैं भी 10 साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम की हूँ, तो मुझे भी लगा और मैं मंत्री जी से भी चर्चा की कि उनका सम्मान, और मंत्री जी ने, आप जानते ही हैं कि वो लगातार सभी का सम्मान करते रहते हैं, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमारे दूर ग्रामीण विधानसभा के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भोजन, हम हमारे गृहमंत्री ताम्रध्वज करके जाना है आपसे, बोला भोजन चालू हो चुके हैं क्रमशः बारी बारी से, व्यवस्था आपके मन के है। ब्रांड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट।